अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब कैसे हैं आप? वाइट हम ब्लैक। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द बाइक एंड वाइन एक्स्ट्राज। तो आज का टॉपिक है, बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, बहुत अच्छा टॉपिक है, और वो है हिजामा, जिसको कपिंग भी बोलते हैं। एक इस्लामिक मेडिकल प्रैक्टिस है हिजामा, एक्चुअल में वेट कपिंग के नाम से उसको, वेट एंड ड्राई कपिंग। एक्चुअल में हिजामा जो वेट कपिंग के लिए मशहूर है, इसके मेडिकल जो बेनिफिट्स है, मेंटल फिजिकल क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग मतलब इसको बिल्कुल भी मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इतना जबरदस्त चीज वो ब्लेस्ड है गॉड की तरफ से ये। तो लेट्स स्टार्ट विद हिजामा और उसके बेनिफिट्स। अच्छा, व्हाट इज हिजामा, ये एग्जैक्ट इसके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले, हिजामा इस्लाम में एक कितना इंपॉर्टेंट मेडिकल प्रैक्टिस आया कैसा, उसके बारे में थोड़ा एक बैकग्राउंड डिटेल दे देते। लैलतुल इसरा वल मीराज, नाइट ऑफ जर्नी एंड असेंशन, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाइट था, और बहुत कुछ मिरेकल्स हुए थे ये नाइट के बारे में, आप इसके बारे में पढ़िए। तो उस वक्त जो है इनको हिजामा भी, हर एंजल जो है और ऊपर अल्लाह की तरफ से, एक मैनकाइंड के लिए गिफ्ट है, समझिए आप। हिजामा पूरे मैनकाइंड के लिए, जो उम्मत है हम जो रसूल के बाद जो आए सो है, जितने भी लोग, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा की तरह। जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इसको भी डिक्लेयर कर रहे थे एज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। तो हिजामा होता क्या और करते कैसा? तो हिजामा जिसको वेट कपिंग बोलते हैं, एक्चुअली कपिंग दो टाइप के, एक ड्राई कपिंग है और एक वेट कपिंग है। ड्राई कपिंग में यूजुअली क्या करते हैं, बस वो जो कप रहता ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर देता वो सर्टेन जॉइंट्स पर। समझो शोल्डर का है तो शोल्डर के जो पॉइंट्स है, अब मुझे शोल्डर का था तो आगे एक शोल्डर साइड में और पीछे करे थे। अब यूजुअली जो सुन्नत पॉइंट्स है वहाँ पे जब मैं हिजामा कराया तो 3 या 5 पॉइंट्स बोले थे जो बैक पे थे, असल एक नेक के नीचे यहाँ पे था, आपको फोटोज दिखा देंगे। तो ड्राई कपिंग में यूजुअली एथलीट्स करते हो, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में उन लोग क्या करते हैं, वो ड्राई कपिंग कर देते हैं जिससे खाली वो मार्क्स रह जाते। वो क्या है मालूम, ऐसा बस ब्लड जितना स्टैग्नेंट है ना, तो उसको बस उन्हें फ्लो में ला देता। मतलब ब्लड कहीं फंसा हुआ या कुछ प्रॉब्लम जिसको होती, देखो जॉइंट्स में प्रॉब्लम, बस वो ब्लड को फ्लो में ला देता, मगर वो गंदा जो ब्लड रहता ना वो अंदर का अंदर ही घूमता। अच्छा, मतलब नाले को बाहर छोड़ने की जगह वापस घर में फिरा रहे, वैसी है ना? वैसी है। तो ये तो पागलपन है। वेट कपिंग क्या है फिर? वेट कपिंग में क्या है, फर्स्ट वो लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिससे मतलब वो जो खून जिधर भी जमा हुआ है वो निकल के वो फ्लो में आना शुरू होता। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो वैक्यूम निकालते और पिंस मारते या ब्लेड से स्लाइड कट करते, उसके बाद फिर वैक्यूम क्रिएट करते वो लोग वही जगह पे जिधर वो लोग स्लाइड वो पंचर करे, वहां से क्या होता मालूम, पूरा खराब खून आना शुरू होता। जब खून निकालते वो लोग तो अगर लाइट पिंक रहा मतलब या वो पार्ट आपका बहुत हेल्दी है, अगर डार्क रेड रहा, लाइट ब्लैक रेड रहा, मरून टाइप, तो मतलब वो पार्ट बहुत डेंजरस है आपको, वहाँ स्टैग्नेंट ब्लड बहुत जमा हो जा रहा। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे एक इंजरी थी जिम के वजह से, तो यहाँ पे लाइट पिंक था, यहाँ पे डार्क रेड था, जो असल समझ रहे ना? मैं समझ गया। ज्यादा से ज्यादा ब्लैक खून जो है रातों को जगने से, सिगरेट फूकने से होता। नहीं, जो लोग ज्यादा वहां बोले थे मुझे कि लोग जो ज्यादा रात को जगते और जो यूजुअली सिगरेट स्मोक करते उन लोगों को फर्स्ट डे या जो भी जब हिजामा कराते तो उन लोगों को बहुत खून आता। हाँ, ये एक तरह से बेनिफिशियल है वो लोगों के लिए जो बहुत बेनिफिशियल है। सिर्फ वो खराब खून नहीं आता बाहर, पूरे टॉक्सिन्स निकलते उसके अंदर, पूरे खराबियां निकलते, आपके जॉइंट्स अच्छे हो जाते, मतलब फंक्शन अच्छा हो जाता, पास को फ्रोजन शोल्डर वगैरह रहता, पास को नी में दर्द रहता, इतना मस्त फ्लो हो जाता बॉडी को। और हम लोग एग्जैजरेट नहीं कर रही है, जो हिजामा कराए उनसे पूछो, अगर हम गलत बोल रहे आप खुद रिसर्च करो। अब हिजामा में अब जैसा पिन मार के खून निकल रहा है, ऐसा मत समझो तलवारों से काट दे रहे हो, नहीं गिर जा रहा खून का खून बॉटल भेजा रहा, वैसा नहीं होता वो फील, बिल्कुल भी नहीं होता, हार्डली फील होता। आजकल के खाने कोई प्योर नहीं, पेस्टिसाइड खा रहे अपन लोग, सब मिलावट है कहीं ना कहीं, तो उस वो क्या है पूरा जमा हो जा रहा। और जॉइंट में आजकल जो पेन्स हो रहे हैं, लोग रात को शिफ्ट जो कर रहे हैं, तो ये क्या है, इंजरीज है, आप एथलेटिक है तो इंजरीज के उसके लिए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट रीजंस है। आजकल आप देख रहे होंगे कई सारे एक्ट्रेसेस, रिसेंट भी एक केस हुआ, एक्ट्रेसेस जो है ये लोग बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने ये जूस वो जूस ये वो कुछ भी बना के वो पी रहे, तो इनटेक से उन्होंने समझ रहे कि उनको डिटॉक्सिफाई हो रहा सब हो रहा, लेकिन हेल्थ पे इतना एडवर्स इफेक्ट हो रहा, कई सारे जो लोग हैं खत्म हो जा रहे उसके अंदर, क्योंकि एक एडवर्स इफेक्ट रहा उसका। हिजामा से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये एक सुन्नत तरीका है और इट्स अ वेरी सेफ वे आपको डिटॉक्सिफाई करना अपना बॉडी।
इसके मेडिकल बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं? फर्स्ट है बूस्ट द सर्कुलेटरी एंड इम्यून सिस्टम, सेकंड है क्लेंजेस एंड डिटॉक्सिफाइज द बॉडी, ट्रीट्स इलनेस एंड रिलैक्सेस द पेशेंट, पेन रिलीफ, फर्टिलिटी. हिजामा इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग मेनी मस्कुलर स्केलेटल न्यूरोलॉजिकल इम्यून कार्डियो वैस्कुलर रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी इश्यूज. फर्स्ट डे जब हिजामा करने जाते हैं तो वो लोग जिधर पेन है उधर नहीं करते, वो लोग फर्स्ट सुन्ना पॉइंट्स पे करते हैं, उसके बाद बुलाते वो लोग कि कहाँ दर्द है, किधर है, कौन से जॉइंट में करना है, उसके बाद करते हैं. फर्स्ट कैसा भी सुनना पॉइंट्स वो तीन तो कैसा भी करना पड़ता हो जो बैक पे रहता हो, नेक के पास एक है, बाकी के नीचे नीचे. तो जो अभी बेनिफिट्स बोले थे अगर उसको हिंदी उर्दू में बोले तो जैसे कि पेन जहाँ दर्द होता, ज्यादा दर्द हो रहा, सांस लेने में प्रॉब्लम दर्द है, तो ये चीजों को रिलीफ मिलता. कई लोगों को एक्ने प्रॉब्लम्स रहते, एक्ने पिंपल्स का, तो ये भी एक तरीका आजकल रहता है, क्रीम लगाते कि 7 दिन में सब नॉनसेंस हो, कुछ भी नहीं होता, उल्टा ये चीजों से उल्टा साइड इफेक्ट्स हो रहे. मेडिकल जो डॉक्टर्स आजकल जो मेडिकल पिल्स देते हैं एलोपैथी के, उसकी वो तक टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जमा करते, तो ये चीज को भी हटाता हिजामा. तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से जितना कचरा है बॉडी के अंदर, खाने में है, तो हिजामा वो पूरा निकाल देता. कई लोग आजकल डिप्रेशन से जो सफर कर रहे, जिनके नाइट शिफ्ट रहते, जॉब स्ट्रेस रहता, घर के स्ट्रेस, आजकल दुनिया हो गई बहुत स्ट्रेसफुल जगह हो गई, तो मेंटल स्ट्रेस भी इससे हटता. तो माशाल्लाह से कितने चीजें बेनिफिट्स है, सिर्फ आपके कपिंग आप रेगुलर करते रहते. कोई डेट्स इसके स्पेसिफिक? हाँ, इसके स्पेसिफिक सुन्ना डेट्स है. एक्चुअली एवरी मंथ थोड़ा वैरी होता बासरीम डेट, अरेबिक डेट के हिसाब से. अरेबिक डेट एक्चुअली तो अपने इंग्लिश में जरा वैरी होता. हिजामा इज ऑल्सो यूज टू क्योर मैजिक, ब्लैक मैजिक वगैरह जो करते, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक कहाँ अपने मतलब बैड ब्लड में या माँ वो जिन दसरा जो भी है वो खराब जगह बैठता. तो हिजामा जो है ऑल्सो क्योर्स मैजिक, ब्लैक मैजिक क्योर करता, वो खराब ब्लड जो भी निकालता और फ्लो में लाता बॉडी. तो काला जादू हटाने के लिए भी हिजामा इस्तेमाल करते हैं. माशाल्लाह. कुछ लोग हैं जिनको कराना जरूरी है, मेरे को थोड़े नजर में है. उसामा कहाँ है? तो हिजामा कपिंग जो बेड कपिंग है वो मोस्ट यूजुअली यूज प्रैक्टिस में हेडेक्स के लिए होता, मेजरली मैजिक हटाने के लिए होता, काला जादू पॉइजन हटाने. आजकल के खाने एक तरह से एडल्ट्रेशन, इतना फूड हो गया, पॉइजन ही खा रहे, जहर ही खा रहे समझो. आप ऐसा सेलेक्ट करें, मेरे को 50 रुपए वाला जहर दो, अरे नको भाई वो 150 रुपए वाला, 30 पे 2 फ्री मिल रहे, वो वाला पॉइजन दो. फ्री पॉइजन. तो चूहों को अपने खाने में डाले तो मर जाते होंगे. और स्ट्रेंथलिंग वंस इंटेलिजेंस या मेमोरी, वो भी बहुत पावरफुल होती. कहीं ब्लड फ्लो सही नहीं है, वो ब्लड फ्लो सही कर देता. और हेड कपिंग भी है, जिसको हेड पेन ज्यादा है, सर ज्यादा दुख रहा, और हेयर फॉल अगर हो रहा, किसी को हेयर फॉल हो रहा तो वापस रीग्रो करते हैं. आई अपना तो वैसे भी ट्रेडमार्क है, एम ये हम लोग का ट्रेडमार्क है, रेसिडिंग हेयरलाइन हमारा, ये हम लोग का खानदानी एम है. तो जैसा अभी बोले एक पॉइंट है, शार्पनिंग वंस इंटेलिजेंस और मेमोरी. अगर आपका बच्चा 1+1=11 बोला, सीधा हिजामा कराने बोला. फास्टिंग के दौर में भी करते, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है. क्यों बोले तो नॉर्मली क्या होता है हिजामा कराए बाद, क्योंकि आपका ब्लड इतना सकआउट करते, मतलब जो पॉइंट्स रहते, डिजीनेस रहते, एक डिजीनेस आता, एक वीकनेस रहता, तो उस वक्त क्या खिलाते हो लोग? हनी और डेट्स देते हो लोग. तो ऐसा है कि अगर आप हिजामा कराने का इरादा इंशाल्लाह करिए, आप हम तो कर रही फिर करवाएंगे, तो अकेले मत जाओ, किसी के साथ जाओ. क्यों बोले तो कभी वीकनेस आया, आप फिर बाइक चलाते आते बाइक लेके आप निकलेंगे दूसरे घर में सुबह आएंगे, दूसरे घर में सुबह आएंगे. और वी एडवाइस के ये सुनना को ज्यादा से ज्यादा लोग आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. हमारा जो यूथ है आजकल बहुत जज्बात यूथ में है, तो इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको एक हिजामा सेंटर आपको खरीद के इसके अच्छे रेप्यूटेड उस पर जाओ. तो हम लोग कोई रेकमेंड नहीं करेंगे, हम लोग स्पॉन्सर्ड है कोई चीज से, मगर जो भी हिजामा सेंटर्स वाले हैं, हम चाहते कि वो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बिजनेस प्रोफाइल्स डालो, ताकि लोग वो देख के वो हिजामा सेंटर जाए. स्पैम ना को करो, हमला बैन मार देते, लोग देख के आपके पास आएंगे. और इंशाल्लाह हर जना ये चीज का हकदार रहेगा. ज्यादा से ज्यादा चीज को शेयर करो और ये सुन्नत को ताजा करो इंशाल्लाह. आप अगर बोलेंगे अरे क्या है मियां हंसते हंसते बोल रहे, तुम सीरियस नहीं बोल रहे टॉपिक, बोले तो ये वीडियो यूथ को टारगेट हम कर रहे. अगर हम अभी से लकड़ी लेके सीरियस होके बोले तो ये वीडियो 30 सेकंड भी नहीं चलते. हाय लाइक शेयर दिस वीडियो, और आप भी कमेंट करो नीचे अगर आप लोग हिजामा करें या आप. हाँ, अपनी तरफ से आप एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो के साथ क्यों बोले तो वो पढ़ के थोड़ा मेरे को भी हिम्मत आती, फिर कुछ भी महसूस नहीं होता. हाँ वैसा वाइस देव गोश गोश की दुकान नहीं है, पर गोश की दुकान.